आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी है चक नोलैंड नाम के एक इंसान की जो फेडेक्स नाम की एक शिपिंग कंपनी में काम करता है। वह अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, साथ ही वह अपने साथ काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को समय के प्रति मोटिवेट करता है। उसका लक्ष्य होता है कि हर एक कस्टमर के पास उनका सामान समय पर डिलीवर हो जाए। चक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम कैली है और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि वे दोनों शादी भी करना चाहते हैं लेकिन चक अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है जिसके लिए उसे देश विदेश में ट्रैवल करना पड़ता है और इसलिए अब तक उन दोनों की शादी नहीं हो पाई है। जब चक कैली से मिलने उसके पास आता है तो वह बहुत खुश होती है। वह चाहती है कि इस क्रिसमस पर चक उसके साथ रहे लेकिन चक कहता है कि उसे बहुत जरूरी काम से मलेशिया जाना है और इसलिए वह क्रिसमस पर नहीं आ सकता। लेकिन वह कैली से वादा करता है कि इस साल न्यू ईयर पर वह जरूर आएगा और वे दोनों न्यू ईयर ईव साथ में सेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए कैली मान जाती है। अब जब कैली चक को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आ रही होती है तो वह उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है जो एक बहुत सुंदर घड़ी होती है और उसमें कैली का एक फोटो भी लगा होता है। चक भी कैली के लिए गिफ्ट लाया होता है जो उसे देकर अपने प्लेन की तरफ चला जाता है। जब प्लेन के अंदर चक उस घड़ी को देख रहा होता है कि तभी उनका प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से गुजरता है जहां अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से प्लेन के अंदर रखे सभी बॉक्सेस और पार्सल्स बिखर जाते हैं और चक की वह घड़ी भी नीचे गिर जाती है। लेकिन चक अपनी सीट बेल्ट खोलकर किसी तरह उस घड़ी को उठा लेता है जिसके बाद वह प्लेन क्रैश होकर महासागर में गिर जाता है। लेकिन चक के पास एक एयर बोट होती है जिसके अंदर बैठकर वह समंदर के तूफान से बचते हुए एक टापू पर पहुंच जाता है जहां वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता है जो उसकी मदद कर सके। वहां बस नारियल के पेड़, पहाड़ और सूखी रेत होती है। अब चक को समझ आ जाता है कि वह इस टापू पर फंस चुका है, इसलिए वह उन सामान के बॉक्सेस को इकट्ठा करने लगता है जो फेडेक्स कंपनी के होते हैं जिन्हें वह डिलीवर करने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा था, जिसके बाद वह उस रेत पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है ताकि अगर कोई प्लेन वहां से गुजरे तो वह उसे ढूंढ सके। और वह उस घड़ी में लगी कैली की उस फोटो को देख रहा होता है। वह स्टापू पर अकेला होता है और इसलिए वह कैली को बहुत मिस कर रहा होता है। अब वहां रात हो जाती है जिसके बाद चक उस एयरबोट के अंदर सो जाता है। जब वह सुबह जागता है तो देखता है कि उसने जो रेत पर हेल्प लिखा था वह लहरों के वहां आने से मिट चुका है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वह वहां मौजूद बड़ी बड़ी लकड़ियों से हेल्प लिखता है जो काफी दूर से भी दिख जाएगा। तभी चक को वहां एक आहट सुनाई देती है। जब वह देखता है तो वहां कोई नहीं होता है कि तभी उसके सामने पेड़ से एक नारियल टूटकर गिरता है जो तेज हवा के चलने से वहां आवाज कर रहा था। अब चक उस नारियल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वह समंदर का पानी नहीं पी सकता, इसलिए वह बहुत सारे नारियल इकट्ठा कर लेता है। लेकिन उनको तोड़कर अंदर से पानी निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसके पास कोई ऐसी नुकीली चीज नहीं होती है। तभी वह एक पत्थर से उस नारियल के अंदर एक छेद कर लेता है और नारियल के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। और इसी तरह चक को इस टापू पर कई दिन बीत जाते हैं। जब वह उस टापू पर घूम रहा होता है तो वहां उसे एक गुफा दिखती है। उसे लगता है कि जरूर इसके अंदर कोई रहता होगा, इसलिए वह आवाज लगाता है लेकिन वहां कोई नहीं होता है। वहीं नंगे पैर चलने की वजह से चक के पैर घायल हो जाते हैं, उनसे खून निकलने लगता है, इसलिए वह अपनी पैंट को काट कर अपने पैरों में बांध लेता है और उनके अंदर कुछ पत्ते भी डाल देता है। अब वह डिसाइड करता है कि वह इस टापू के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेगा ताकि वह जान सके कि वह किस जगह मौजूद है। अब चक उस पहाड़ पर चढ़ जाता है जहां से वह नीचे देखता है कि तभी वह समंदर के किनारे किसी चीज को देखता है। जब वह दौड़कर उसके पास जाता है तो वह देखता है कि यह उसके प्लेन का पायलट होता है जो प्लेन क्रैश होते टाइम समंदर में गिरा था, जिसे देखकर चक बहुत दुखी होता है और रोने लगता है, जिसके बाद वह उसकी बॉडी को वहां से बाहर निकालता है और उसी टापू पर एक गड्ढा करके उसे दफना देता है और साथ ही एक पत्थर पर उसका नाम लिख देता है। लेकिन दफनाने से पहले चक अपनी जरूरत के सामान जैसे जूते और टॉर्च को ले लेता है। अब जब रात होती है तो चक एक बार फिर से कैली के उस फोटो को देखता है। वह उसे बहुत मिस कर रहा होता है। अब इस टापू पर उसे कई दिन और बीत जाते हैं। उसने अब सीख लिया है कि कैसे पत्तों पर गिरी ओस को नारियल पानी में स्टोर करना है, साथ ही वह मछली पकड़ना भी
भी सीख रहा होता है ताकि वह उन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर सके, क्योंकि अभी तक वह सिर्फ नारियल खाकर ही जिंदा रहा है। एक रात जब वह टॉयलेट करने जाता है तो उसे ओशियन में कुछ रोशनी दिखती है। उसे लगता है कि ये एक जहाज है, इसलिए वह जोर से चिल्लाता है और उसकी तरफ टॉर्च भी दिखाता है ताकि वे समझ सकें कि यहाँ कोई इंसान है, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। अब वह डिसाइड करता है कि वह अपने उस एयरबोट से उस जहाज के पास जाएगा। वह तेजी से उस ओर बढ़ने लगता है, लेकिन समंदर की लहरें इतनी तेज होती हैं कि वह उसे पीछे ढकेल देती हैं। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी लहर आती है जो उसकी बोट को पलट देती है, जिसके पलटने से वह एक नुकीले पत्थर से जाकर टकराता है, जिसमें उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी जो बोट होती है वह भी फट जाती है, जिसके बाद वह वापस अपने उसी टापू पर आ जाता है। अब वहाँ तेज बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए वह उस गुफा के अंदर जाता है जो उसने कुछ दिन पहले ही ढूंढी थी, और उस टॉर्च को जलाकर वहीं सो जाता है। जब वह सुबह जागता है तो देखता है कि उसकी टॉर्च के सेल अब डाउन हो चुके हैं और उसके पैर का जख्म भी अब बहुत दर्द करने लगा है। अगली सुबह उसके पास जितने भी बॉक्सेस होते हैं वह उन सभी बॉक्सेस को खोलता है, लेकिन उनमें से किसी के अंदर दवाई नहीं होती है। उनमें से एक बॉक्स के अंदर उसे स्केटिंग शूज मिलते हैं जिन पर नुकीला एक ब्लेड लगा होता है, जिसकी मदद से वह अब नारियल को आसानी से फाड़ सकता है, और साथ ही एक लकड़ी को अच्छे से नुकीला करता है ताकि वह उसकी मदद से मछलियाँ पकड़ सके। अब वह केकड़े और मछलियों को आसानी से पकड़ सकता है, लेकिन वह उन्हें कच्चा नहीं खा सकता, इसलिए वह आदिवासियों की पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करके लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफ़ी देर मेहनत करने के बाद भी चक आग नहीं जला पाता है और जिसमें उसका हाथ भी घायल हो जाता है। इसलिए अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वह अब सभी चीज़ें फेंकने लगता है और थक हार कर बैठ जाता है, लेकिन एक बार फिर से चक आग जलाने की कोशिश करता है और वह आग जलाने में कामयाब भी हो जाता है। जब आग जल जाती है तो ये देखकर वह बहुत खुश होता है और खुशी के मारे नाचने लगता है, क्योंकि अब उसे और कच्ची मछलियाँ और केकड़े नहीं खाने पड़ेंगे। तभी उसे वहाँ उस सामान में एक बेसबॉल दिखती है जिसे उसने गुस्से में फेंक दिया था। उस पर चक के हाथ का खून लगा होता है, जिसे वह एक फेस की शेप में कन्वर्ट कर देता है। इस टापू पर वह अकेला होता है, इसलिए वह उस फुटबॉल को अपना दोस्त बना लेता है, जिसका नाम वह विल्सन रखता है, और उससे बातें करना शुरू कर देता है। जब चक रात को उस गुफा में बैठा होता है तभी उसके दांत में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा होता है, और इसीलिए वह उस दांत को निकालने के लिए स्केटिंग शूज का इस्तेमाल करता है, और हिम्मत करके वह उस दांत को तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है। अब कहानी में 4 साल बाद के चक को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बदल चुका है, जिसके सर और दाढ़ी के बाल बहुत बड़े हो चुके हैं और वह काफी दुबला पतला भी हो गया है, और इन 4 सालों में उसने मछलियां पकड़ना भी सीख लिया होता है, और विल्सन यानी उस फुटबॉल के साथ भी उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। अब वह चक विल्सन को सारी बातें बताता है। जब एक दिन चक सो रहा होता है तो उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाकर देखता है तो वहाँ एक टिन की सीट होती है जिसे वह बैठा देख रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वह इस सीट का इस्तेमाल करके समंदर की इन लहरों को पार कर सकता है, जो वह पिछले 4 सालों से नहीं कर पाया है। अब वह उन नारियल के पेड़ों को एक एक करके गिराने लगता है और बेड़ा बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। इन लकड़ियों को बांधने के लिए भी उसे बहुत सारी रस्सियों की जरूरत होगी, इसलिए वह पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाना भी शुरू कर देता है। वहीं उसने अपनी गुफा के अंदर एक तरह का मैप तैयार किया होता है और वह तय करता है कि जैसे ही हवा का रुख बदलेगा वह इस द्वीप से निकल जाएगा। कुछ समय बाद हवा का रुख पश्चिम की ओर हो जाता है, यानी कि वह अब इस टापू से निकल सकता है। उसने अपनी नाव को भी पूरी तरह तैयार कर लिया होता है, और जो टिन की सीट होती है वह उसे हवा के अपोजिट इस्तेमाल करेगा ताकि उसे आगे बढ़ने में मदद हो सके। साथ ही बारिश का पानी स्टोर करने के लिए कुछ नारियल और अपने दोस्त विल्सन को भी बेड़े पर रख लेता है। जब चक यहाँ से जाने वाला होता है तो एक बार फिर से उस घड़ी को देखता है जिसमें कैली की फोटो होती है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि वह एक बार फिर से कैली से जरूर मिल पाएगा। जाने से पहले वह पत्थर पर कैली के लिए एक नोट लिखता है, जिसमें वह लिखता है कि वह इस टापू पर 1500 दिन तक रहा, लेकिन अब वह यहाँ से जा रहा है क्योंकि वह कैली से प्यार करता है और उससे मिलना चाहता है, और इसी उम्मीद के साथ वह इस टापू से निकल जाता है। अब चक को समंदर में बहुत बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, और अंत में वह सबसे बड़ी लहर को भी पार कर लेता है, जिसके बाद वह बहुत खुश होता है। चक जब उस टापू की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर उदासी का एक भाव होता है, क्योंकि इस द्वीप पर उसने 4 साल बिताए हैं।
इसलिए उसे इस जगह से लगाव हो गया होता है। आगे वहीं चक का सफर बहुत मुश्किल भरा होने वाला है, इसलिए वह जितना हो सके बारिश के पानी को नारियल में स्टोर करता है और खाने के लिए मछलियां पकड़ता है। तभी एक रात समंदर में बहुत तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके बेड़े पर जो टिन की सीट लगी होती है वह उड़ जाती है। जब अगली सुबह वह जागता है तो देखता है कि उसकी बोट काफी हद तक टूट चुकी है और जो उसका दोस्त विल्सन होता है वह भी पानी में गिर गया है, जो लहरों के साथ बहकर काफी दूर निकल जाता है। जब चक ये देखता है तो वह उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह उसकी पहुंच से काफी दूर निकल चुका होता है। अब चक वहां जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वह उसके लिए सिर्फ एक वॉलीबॉल नहीं था, वह उसका दोस्त था जिसके साथ वह पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था। अब चक थक हार कर उसी टूटी हुई नाव पर लेट जाता है और अपने सफर को जारी रखता है। अब उसे सफर करते हुए समंदर में कई दिन और बीत जाते हैं और वह बहुत कमजोर भी हो चुका है कि तभी उसके पास से एक कार्गो शिप गुजरता है, जिसे देखकर चक मदद मांगने के लिए अपना हाथ खड़ा करता है। इसके बाद वे लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचाकर अपने शिप पर ले आते हैं। अब कहानी में 4 हफ्ते बाद चक को दिखाया जाता है, वह देखता है कि वहां सब कुछ बदल चुका है। तभी उसका दोस्त बताता है कि सभी लोगों को लगा कि चक अब मर चुका है, इसलिए वह उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड कैली की भी शादी हो जाती है और उसकी अब एक बेटी भी है। जब कैली को यह पता चलता है कि चक जिंदा है और वह वापस आ चुका है तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और चक को भी जब कैली के बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है और वह कैली से मिलने उसके घर जाता है, जिसे देखकर कैली उसे हक कर लेती है। चक कहता है कि वह यहाँ उसकी वह घड़ी वापस करने आया है, क्योंकि वह घड़ी उसके खानदान की धरोहर, लेकिन कैली चाहती है कि वह इसे अपने पास रखे, इसलिए वह उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन चक कहता है कि यह परिवार की विरासत है और इसे परिवार में ही रहना चाहिए, लेकिन वह कैली के फोटो को उससे निकाल लेता है। अब कैली चक को वह कार दिखाने ले जाती है जिस कार में वह आखिरी बार साथ बैठे थे। जब चक वहां से जा रहा होता है तो कैली उसे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे, जिसके बाद चक कैली से माफी मांगता है और जिसके बाद कैली उसे किस करती है। कैली का मन अब बहुत उदास हो रहा होता है और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जब चक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है तो कैली उसे जोर से आवाज देती है, जिसके बाद चक गाड़ी लेकर वापस आता है और वे दोनों गले लग जाते हैं। कैली कहती है कि वह जानती थी कि तुम जिंदा हो और एक दिन जरूर वापस आओगे, लेकिन सभी लोग कहते थे कि ये सोचना उसे बंद करना होगा। कैली कहती है कि वह आज भी उससे बहुत प्यार करती है। चक कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जिसके बाद वे एक दूसरे को किस करते हैं। अब चक कैली को गाड़ी में बिठाता है और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी चक कहता है कि कैली तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए और वह कैली को उसके घर छोड़ देता है, क्योंकि चक नहीं चाहता कि कैली उसके लिए अपने परिवार से दूर हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि चक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वह कहता है कि शायद वह उस आइलैंड पर मर जाता या शायद बीमार पड़ जाता, लेकिन उसके भीतर एक चाह थी, एक उम्मीद थी कि वह एक दिन कैली के पास वापस जरूर आएगा और इसी उम्मीद की वजह से वह जिंदा रहा। लेकिन आज वह जब वापस आ गया है तो कैली उसके पास नहीं है, वह उसको खो चुका है, लेकिन उसे सांस लेते रहना होगा, उसे समझना होगा कि ये जीवन का अंत नहीं है, क्या पता कि कल सूरज उसके लिए कोई नई उम्मीद लेकर आए। अब दिखाया जाता है कि चक अपनी कार से एक पैकेज को डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है, जिसे वह उस आइलैंड से बचाकर अपने साथ लाया था, क्योंकि उसका ऐसा विश्वास था जब वह घर पहुंच जाएगा तो इस पैकेज को जरूर डिलीवर करके आएगा। लेकिन जब वह पैकेज को डिलीवर करने आता है तो घर पर कोई नहीं होता है, इसलिए वह उस पैकेज को दरवाजे पर रख देता है और एक नोट लिख देता है, दिस पैकेज सेव माई लाइफ, थैंक यू चक नोलान, और वहां से आ जाता है। जब वह एक चौराहे पर खड़ा मैप देख रहा होता है कि तभी वहां एक लड़की आती है जो उसे कहती है कि शायद तुम खो गए हो, जिसके बाद वह उसे चारों रास्ते बताती है और वहां से चली जाती है। तभी चक देखता है कि उसकी गाड़ी पर वही निशान बना होता है जैसा कि उस बॉक्स पर बना था, और वह उसी डायरेक्शन में जाती है जहां चक पैकेज डिलीवर करके आया है, जिसके बाद चक समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसके घर वह पार्सल देकर आया है। फिल्म की शुरुआत में भी हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर गेट पर दो नाम लिखे होते हैं, डिक और बेटीना, लेकिन अब जब चक वहां जाता है तो उस गेट पर सिर्फ बेटीना लिखा होता है, यानी कि वह जो लड़की है अब अकेली रहती है। अब चक उम्मीद भरी नजरों से उसी ओर देखता है जिस तरफ वह लड़की गई होती है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल होती है, और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। तो ये कहानी थी चक नोलैंड की, जो 1995 में घटित हुई थी। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।